अब अगला क्वेश्चन। मार्क प्राइस ऑफ अ कूलर इज 12,000। एक कूलर है जिसमें लिखा हुआ है कि वो 12,000 का बिकेगा। डिस्काउंट दिया शॉपकीपर ने उस कूलर में, टेन परसेंट का। शॉपकीपर ना, कूलर लेने में वैट लगा 8% का, तो बताओ कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया उसका? क्या करेंगे इसमें सबसे पहले? एमआरपी 12,000 है, डिस्काउंट मिला कस्टमर को लेने में 10% का, उसके बाद उसमें वैट लगा 8% का, कैसे होगा निकालेंगे? करके बताना, करके इधर मत देखना, मैं भी निकालता हूं। हो गया। गलत है। एक कूलर था जिसकी एमआरपी 12,000 थी, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला के वो 12,120 रुपए का हो जाएगा। डिस्काउंट मिलने के बाद चीजें सस्ती होती है, महंगी हो जाती है। हाँ, तो तुम्हारा कूलर महंगा कैसे हुआ? सस्ता होना चाहिए था ना, तो वहीं पर गलत हो गया। 10% के डिस्काउंट के बाद कूलर की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 12,000 में से 10% माइनस करेंगे तो 10,800 बच रहा है। उसके बाद 10,800 में वैट पड़ रहा है 8% का, तो 10,800 का 8% कितना होगा? 864 निकला। उसको हम इस सेलिंग प्राइस के साथ प्लस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कस्टमर को पे करना है। बस फटाफट नोट करना, फटाफट।
निशा परचेज्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट ऑफ 2000 रुपीज। सीपी ऑफ सिल्वर ब्रेसलेट इज इक्वल टू रुपीज 2000 एंड सोल्ड इट एट 2600। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। निशा ने एक सिल्वर ब्रेसलेट खरीदा 2000 रुपए का और उसने उसे बेचा 2600 रुपए का। वो 2600 रुपए जो का जो उसने बेचा उसमें 4% का वैट लगा हुआ था पहले से। टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तभी बना। ये 2600 जब बन गया, ये सारे के सारे पैसे निशा के पास नहीं आए, इसमें से उसने टैक्स भी दिया कुछ। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताओ उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो हम क्या मान लेते हैं? कितने का? हाँ, तो वो नहीं पता तो कौन निकालेगा? वो ऐसे ही बोल दिया हवा में गेन हुआ है। जब नहीं हुआ होगा गेन, जब पूरे दे दिए होंगे तब तुम्हें पता है कितना परसेंट वैट? 4% वैट लगा, तो 4% वैट कितना? मतलब कितना? उसके ऊपर लगाया है। जैसे उसने 2000 रुपए का खरीदा तो था, उसने 2600 का बेचा, 600 रुपए का उसका प्रॉफिट है, लेकिन वो 600 रुपए का उसका प्रॉफिट नहीं है क्योंकि 600 रुपए से उसने टैक्स भी देना पड़ा जो कि 4% था। हम मान लेते हैं लेट एसपी ऑफ ब्रेसलेट बिफोर वैट, वैट देने से पहले ब्रेसलेट की एसपी हमने मान ली एक्स रुपए थी, साथ साथ दिखते भी रहना, फिर बाद में वो नहीं होगा। अब एक्स प्लस 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2600। सेलिंग प्राइस एक्स थी, उसमें 4% वैट लगा, उसके बाद वो 2600 रुपए की हो गई। तो एक्स प्लस 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2600। ये कैसे सॉल्व होगा पता ही नहीं होगा, कल भी बताया था। ये एक्स प्लस 4/100 एक्स कैसे होगा, इसको कुत्ते को सॉल्व करके कितना आएगा? सबसे पहले कैंसिल करेंगे, 4 1 4 4 25 100। अब ये हो गया एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 2600। कितना हुआ इसको सॉल्व करके? ये यहीं पे है। अब कितना आएगा इसको सॉल्व करके? नहीं आता मत कहना अब तो। इसको सॉल्व करके क्या लिखूं मैं यहाँ पे? मुझे आंसर चाहिए यार, नीचे क्या आएगा उसका मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें फोर्थ क्लास की मैथ थोड़ी बता रहा हूं, जो ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस करने बताऊंगा। क्या आएगा इसको प्लस करके? एक्स प्लस एक्स अपॉन 25 प्लस करके कितना आएगा? अब नहीं आता मत कहना, ये मैंने बता रखा है अभी कल ही। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आगे सॉल्व करके कितना आएगा? 26x/25 = 2600। ये 25 डिवाइड में है, 26 मल्टीप्लाई में है। x इज इक्वल टू 2600, 25 डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 26 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 26 1 जा 2600,
एक्स की वैल्यू आ गई 2500। किसको? इसको? कोई बात नहीं, यहां पे लाके कैंसिल करना पड़ता, यहां पे लाके भी नहीं करते तो यहां पे लाके कैंसिल करना पड़ता, कैंसिल तो करना ही पड़ता, कैंसिल करना ही पड़ता। इसको अगर करते तो कितना आ जाता, 104x अपॉन 20 अपॉन 100 आ जाता, इज इक्वल टू 2600 आ जाता। उसके बाद इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते 2600 इंटू 100 अपॉन 104, कर लेना कैंसिल वैंसिल करके, यही आएगा। जरूरत नहीं है वैसे उसे करने की। x की वैल्यू 2500 आ गई, यानी कि वैट लगने से पहले 2500 उसकी सेलिंग प्राइस थी, अब कॉस्ट प्राइस थी 2000 रुपीज, सेलिंग प्राइस हो गई 2500 रुपीज। अब बताना है उसे गेन हुआ या लॉस हुआ। अब सीपी छोटा है एसपी बड़ा है तो उसे गेन हुआ है। गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 2500 माइनस 2123, 500 रुपए का उसे गेन हुआ है। अब गेन परसेंट बतानी है तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, तो 500 अपॉन 2000 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 5 10, 5 5 25%। इसका मतलब उसे 4% वैट देने के बावजूद भी 25% का प्रॉफिट हुआ है। करो नोट फटाफट। Yeah.